पाकिस्तान के आम लोग इन दिनों महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। महंगाई ने यहाँ पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं सरकार के लिए बढ़ता कर्ज लगातार सिरदर्द बढ़ा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दब चुका है। GDP की तुलना में कर्ज के मामले में सबसे बुरा हाल जमैका, श्रीलंका और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में GDP की तुलना में कर्ज पिछले साल 2018 की चौथी तिमाही बढ़कर 75% पहुंच गया है, जो एक साल पहले 67% था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए पाकिस्तान IMF के 13वें बेल आउट पैकेज की तरफ देख रहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार के पास एक ही विकल्प है, या तो लोगों पर बोझ बढ़ाया जाए या भुगतान संतुलन की समस्या से जूझे, जिससे अर्थव्यवस्था क्रैश हो सकती है। आपको बता दें, पाकिस्तान खुद को नकदी संकट से बाहर निकालने के लिए IMF से $8 अरब का राहत पैकेज चाहता है। बुधवार को शुरू हुई वार्ता से पहले बीजिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की IMF प्रमुख क्रिस्टन लेगार्ड के साथ बैठक हुई थी। IMF का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को यहाँ पहुँचा था। प्रस्तावित कर्ज पर ये बातचीत 6 मई को संपन्न होने की उम्मीद है। जियो न्यूज की खबर के अनुसार प्रस्तावित राहत पैकेज 7 से 8 अरब डॉलर का होने वाला है। वहीं UN की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की आर्थिक ग्रोथ साल 2019 में 4.2% और साल 2020 में 4% रहने का अनुमान है। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2019 के दौरान बांग्लादेश की आर्थिक ग्रोथ दर 7.3%, भारत की ग्रोथ 7.5%, मालदीव और नेपाल की 6.5% रहने का अनुमान है। इस लिहाज से भी पाकिस्तान की आर्थिक ग्रोथ सबसे निचले पायदान पर रहेगी। आतंकवाद को पना देने वाला पाकिस्तान महंगाई से त्रस्त है, लेकिन फिर भी वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।